अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम ईसा खान जिदून। वेलकम बैक टू अनदर फ्रेश एपिसोड ऑफ ईसा खान डिजाइन एंड ड्राइंग सेंटर। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। व्यूअर्स, टुडे आई विल गिव यू अ ब्रीफ लेक्चर ऑन वन ऑफ द इजिएस्ट मेथड बाय विच वी कैन कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ सीमेंट, सैंड एंड एग्रीगेट्स फॉर अवर कंक्रीट, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एट अवर कंस्ट्रक्शन साइट। सो व्यूअर्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, let us get right into the video. Thank you so much. Viewers, let us take a proper start. Viewers, आज का टॉपिक जो मैंने चूज किया है, जिस पर मैं लेक्चर देने जा रहा हूँ, इस पर मैं डिस्कशन करने जा रहा हूँ, this is one of the most important topic in our civil engineering. Viewers, this topic is equally important for architectural engineers, architects, building engineers, construction engineers. Viewers, this topic is related to cost and estimation. हमारे जो सिविल इंजीनियरिंग में कोर्स है हमारा, कॉस्ट एंड एस्टिमेशन, ये उससे रिलेटेड है और ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। व्यूअर्स, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल टॉपिक है, इस पर बहुत ज्यादा सवाल आते रहते हैं। हमारे जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, इवन जो हमारे इंटरनल एग्जाम्स होते हैं यूनिवर्सिटीज में, इस पर बहुत ज्यादा सवाल आते रहते हैं और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमारे फील्ड से रिलेटेड है। व्यूअर्स, आज जो जिस पर टॉपिक पर बात करने जा रहा हूं कि हमें अगर एक कंक्रीट तैयार करनी है एक स्लैब के लिए, कॉलम के लिए, बीम के लिए, तो हम उसकी सीमेंट, सैंड, आई मीन कोर्स एग्रीगेट एंड फाइन एग्रीगेट की क्वांटिटीज़ और वाटर की क्वांटिटीज कैसे फाइन करेंगे। आज तक वर्ड ऐसा होता रहा, इवन आज के टाइम में भी ऐसा हो रहा है कि हम जो हमारा अपने अगर देखा जाए अपनी लोकल कंस्ट्रक्शन देखी जाए तो उसमें भी कुछ प्रॉपर मिक्स डिजाइन यूज नहीं हो रहा, वो अपने हिसाब से करते हैं, अपने हिसाब से गलत करते हैं, वो नुकसान का बायस होता है। सो इंजीनियरिंग ये प्रिंसिपल्स पर चलती है, इसे जितना ज्यादा से ज्यादा हम अगर प्रैक्टिकल करेंगे, इसे फील्ड में लाएंगे, उतना हमारे लिए ही बेटर होगा और ये उतना ही इसमें हमारी कॉस्ट की सेविंग होगी। दिस इज एक्चुअली ए क्वांटिटी सर्वे, हम क्वांटिटी का सर्वे करते हैं कि आखिर कितना मटेरियल हमारा लगेगा इतने काम के लिए। सो आज के टॉपिक को डिस्कस करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे कि हमारा मिक्स डिजाइन जरूरी क्यों है, व्हाट इज एक्चुअली मिक्स डिजाइन। सो व्यूअर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल इसे मैं रीड आउट करता हूं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व्हाट इज मिक्स डिजाइन। मिक्स डिजाइन इज अ प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द राइट क्वालिटी मटेरियल्स एंड रिलेटिव प्रॉपर्टीज टू प्रिपेयर कंक्रीट ऑफ डिजायर्ड प्रॉपर्टीज लाइक वर्केबिलिटी, स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी। मिक्स डिजाइन का हमारे पास एक ही मकसद है, कि हम सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट्स को इस रेशो में लें, वाटर को इस रेशो में लें कि जो हमारी डिजाइन प्रॉपर्टीज हैं, हम क्या चाहते हैं, हम कहते हैं हमारी कंक्रीट वर्केबल हो, उसे हम इस्तेमाल कर सकें, वो वक्त से पहले सख्त होना शुरू हो जाए, वो ड्यूरेबल हो, आसानी से टूटे ना, वो उसकी डिजायर्ड स्ट्रेंथ हो, इतनी स्ट्रेंथ हो कि एटलीस्ट 100 ऑफ इयर्स वो इजीली उसका स्ट्रक्चर खड़ा रह सके। सो दिस इज एक्चुअली दी प्रॉपर्टी या इंपॉर्टेंस ऑफ मिक्स डिजाइन। आज के टाइम में क्या हो रहा है, इवन आज के टाइम में भी 21st सेंचुरी में भी ये हो रहा है कि हम मिक्स डिजाइन, इसको पता ही नहीं है व्हाट इज मिक्स डिजाइन, नहीं पता इसको, फील्ड में अप्लाई नहीं करते लोग मिक्स डिजाइन को। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही होती हम देखते हैं इसमें मिक्स डिजाइन को फॉलो नहीं किया जा रहा होता, क्वांटिटी सर्वे नहीं की जा रही होती, रिजल्ट क्या निकलता है, क्रैक्स। अभी स्लैब गली होती नहीं है, स्लैब डेल के हमारे जो वर्कर्स होते हैं पीछे आते ही हैं, वापस आते ही हैं, तो वो माइक्रो क्रैक्स सरफेस पे आना शुरू हो जाते हैं। दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ मिक्स डिजाइन। उस स्लैब को जो मिक्स डिजाइन चाहिए, अब आगे जाके हम देखेंगे कि कौन कौन से मिक्स डिजाइन हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं, कौन कौन सी ग्रेडिंग एग्जिस्ट करती है, और फिर हम किसी एक ग्रेडिंग को पकड़ेंगे और उसे प्रूफ करके मैं आपको बोर्ड पर दिखाऊंगा। सो ये वीडियो के साथ एंड तक रहिएगा, थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों से एक टेबल शेयर करने जा रहा हूं। अब इस टेबल में मैंने एक ऑलरेडी जो हमारी एक क्वांटिटीज ऑलरेडी इनका किया गया है, इनका सर्वे किया गया है कि हमें इस ग्रेडिंग की कंक्रीट के लिए इतना मटेरियल चाहिए। सो मैंने एक टेबल रेडी कर रखा है,
जिसपे मैनेजर का है कि सीमेंट सैंड एंड एग्रीगेट की क्वांटिटीज, उस कंक्रीट के लिए हमें कितनी कितनी चाहिए, लेकिन कंक्रीट कौन सी, उसको कंक्रीट का वॉल्यूम भी गिवन है 1 क्यूबिक मीटर। ये चीज आपने यहां पे याद रखनी है, नोट करनी है कि हम 1 क्यूबिक मीटर को लेके पूरे लेक्चर को चलाएंगे, बिकॉज ये मतलब एक 2 क्यूबिक मीटर ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, समझाने के लिए कि सपोज मैंने 1 क्यूबिक, अगर मैंने वॉल्यूम में तो लेना है कोई नया, उसके मुताबिक करना है, मैंने 1 क्यूबिक मीटर की कंक्रीट रेडी करनी है, उसके लिए मुझे कितना मटेरियल चाहिए। लेकिन पहला सवाल जो मेरे माइंड में आएगा वो आएगा मिक्स डिजाइन, वो ग्रेडिंग ऑफ कंक्रीट आएगी कि हमें कौन सी ग्रेडिंग चूज करनी है, मुझे M15 की ग्रेडिंग चाहिए, मुझे M20 की ग्रेड चाहिए, मुझे M25 की ग्रेड चाहिए, मुझे M30 की ग्रेड चाहिए। व्यूअर्स, हियर M मींस मिक्सचर। व्हाट डज M मीन? मिक्सचर 15, मिक्सचर 20, मिक्सचर 25, मिक्सचर 30। अब हर ग्रेडिंग की अलग अलग रेशियो होती है। सपोज हमारे पास M15 की अगर रेशियो है 1:3:6, कीप इट इन माइंड कि एक पार्ट इसमें होगा सीमेंट का, 3 पार्ट इसमें होंगे सैंड के, और 6 हिस्से इसमें होंगे हमारे एग्रीगेट के। सीमेंट को भी आप जानते हैं, रेत को भी आप जानते हैं, और क्रश को भी आप जानते हैं, या अगर नहीं जानते तो स्क्रीन पर इसकी पिक्चर आएगी, आप पहचान जाएंगे। सो अब मुझे लगता है कि हम इस पोजीशन पर रहेंगे, टेबल को रीड कर सकते हैं, बिकॉज M15 M20 के बारे में आपको पता चल गया, रेशियो को अंडरस्टैंड आप लोग कर लिए कि इसमें फर्स्ट पार्ट हमेशा सीमेंट लिखते हैं, फिर सैंड लिखते हैं, देन एग्रीगेट लिखते हैं। सो हियर सीमेंट सैंड एंड एग्रीगेट रिक्वायर्ड फॉर डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट, ये ऑलरेडी हमारे पास कैलकुलेटेड है, मैंने लेक्चर के स्टार्ट में बताया ऑलरेडी कैलकुलेटेड है। अब इसमें से हम क्या करेंगे, इसमें से कोई एक किसी एक ग्रेड को उठाएंगे, उसे प्रूफ करेंगे कि वाकई ये चीजें आती है कि नहीं, और प्रूफ करने का मेथड ही एक्चुअली यही मेथड है कि क्वांटिटीज को हम कैसे इन चीजों को हम कैसे कैलकुलेट करें। सो M15 की ग्रेड के लिए जो मिक्स प्रोपोर्शन है वो है 1:3:6, उसके जो सीमेंट की रिक्वायरमेंट है वो 4.5 बैग्स है, एक बैग में 50 किलो सीमेंट होता है। नेक्स्ट जो हमारे पास सैंड की रिक्वायरमेंट है वो क्यूबिक फीट में है 16, इसी तरह एग्रीगेट्स की रिक्वायरमेंट वो है 32 क्यूबिक फीट। नेक्स्ट M20 की ग्रेड 1:2:4, नंबर ऑफ सीमेंट बैग 6, सैंड जो हमारे पास 14.9 क्यूबिक फीट, एंड इसका एग्रीगेट 29.9 क्यूबिक फीट। नेक्स्ट इज M25 की कंक्रीट, M25 की जो मिक्स प्रोपोर्शन है 1:1.75:3.5, सीमेंट जो रिक्वायरमेंट है वो है 6.15, सैंड जो रिक्वायर है वो है 14.7, एंड एग्रीगेट जो रिक्वायर्ड है वो 29.1 क्यूबिक फीट। लास्ट में M30 की जो ग्रेड है इसके जो मिक्स डिजाइन है वो है 1:1.5:3, मतलब एक हिस्सा सीमेंट, डेढ़ हिस्सा रेत और 3 हिस्से क्रश। सीमेंट के जो बैग चाहिए 7.5 बैग्स चाहिए, 7.5, मतलब 7 बैग पूरे और एक आधा, 8वां आधा। सैंड 14.06 क्यूबिक फीट और एग्रीगेट 28.1 क्यूबिक फीट। अब ये बोर्ड आप एक दफा खुद ही रीड आउट कर लें वीडियो को पॉज करके, लेकिन अब मैं आपको बताने लगा कि अब जो हम M20 की ग्रेड को कंक्रीट को चूज करके अपनी वीडियो को आगे तक लेके जाएंगे, अब मैं इस M20 को प्रूफ करूंगा कि कैसे हमारे पास सीमेंट की 6 बैग्स चाहिए, कैसे सैंड की 14.9 क्यूबिक फीट चाहिए, और कैसे एग्रीगेट 29.9 क्यूबिक फीट की हमें एग्रीगेट चाहिए। सो इस चीज को हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, इसके साथ रहिएगा। थैंक यू सो मच व्यूअर्स, देखने में तो चीजें मुश्किल लग रही है, लेकिन मैं इंशाल्लाह आपके लिए इनको आसान करने वाला हूँ, आप लोग वीडियो को बहुत सुनिएगा। व्यूअर्स, जैसा कि मैंने प्रीवियस क्लिप में आपको बताया कि हम M20 की ग्रेड कंक्रीट को, M20 ग्रेडिंग ऑफ कंक्रीट को आगे लेके अपने वीडियो के एंड तक चलेंगे, उसे प्रूफ करेंगे। सो हम वही करने जा रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल टॉपिक देखने, मेथड टू डिटरमाइन रिक्वायर्ड मटेरियल फॉर कंक्रीट मिक्स 1:2:4, इट्स M20 ग्रेड कंक्रीट। स्टेप 1 इज कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ मटेरियल्स। हमारे पास जो मटेरियल है सीमेंट सैंड एंड एग्रीगेट, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनका वॉल्यूम फाइंड करेंगे स्टेप 1 में, आप इसे फॉलो करते जाएं। स्टेप 1 कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ मटेरियल्स, ठीक है। डेंसिटी ऑफ सीमेंट,
ये तो हमारे पास ऑलरेडी नॉन चीजें हैं, ऑलरेडी कैलकुलेटेड चीजें, पर बहस करने की जरूरत नहीं हमें। जो सीमेंट की डेंसिटी है वो है 1440 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। CUM स्टैंड्स फॉर क्यूबिक मीटर, 1440 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। ओके, नेक्स्ट इज वॉल्यूम ऑफ 1 kg ऑफ सीमेंट। अब देखें जी, फर्स्ट ऑफ ऑल कहते हैं कि डेंसिटी ऑफ सीमेंट इज 1440 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। नेक्स्ट कहता है कि वॉल्यूम ऑफ 1 kg ऑफ सीमेंट। अब 1 kg के लिए डेफिनेटली हम 1 / जो इसका ऊपर आएगा डेंसिटी उस पर डिवाइड करेंगे, क्योंकि वॉल्यूम का फॉर्मूला आप सबको आता है। सो वॉल्यूम ऑफ 1 kg ऑफ सीमेंट विल बी इज इक्वल टू 1/1/1440 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू 0.00069 क्यूबिक मीटर। इन वैल्यूज को अपने याद रखने हैं, ये आगे लेक्चर में हमें काम आएंगी, इसी लेक्चर में आगे जाके, ठीक है। फिर रिपीट करते हैं, डेंसिटी सीमेंट की है 1440, डेंसिटी का फॉर्मूला आपको आता है, मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं है। सो वॉल्यूम कैसे निकलेगा 1 kg सीमेंट के लिए, उसे हम करेंगे इज इक्वल टू 1/1440 इज इक्वल टू 0.00069 क्यूबिक मीटर। नेक्स्ट वॉल्यूम ऑफ 1 bag ऑफ सीमेंट। अब जैसे कि आपको पता है कि 1 bag ऑफ सीमेंट ने व्यूअर्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक MCQ है हमारे सिविल इंजीनियरिंग के लिए, कि 1 bag ऑफ सीमेंट में ये वर्ल्ड वाइड है, ठीक है, 50 kg ऑफ सीमेंट होता है। सो अगर हम 1 bag का निकालेंगे तो हम उसे मल्टीप्लाई करेंगे 50 से, किस वैल्यू को, ये जो हमारे पास आ गई है 0.00069, इसलिए मैंने इसे एक बॉक्स में मल किया है। वॉल्यूम ऑफ 1 bag ऑफ सीमेंट इज इक्वल टू 50 × 0.00069 = 0.035 क्यूबिक मीटर। अभी आपने यहां तक हम पहुंच गए हैं कि एक्चुअली हम वॉल्यूम फाइंड करना चाहते थे, कहां गया ये, कि इस नतीजे पर हम पहुंचे हैं कि 1 bag ऑफ सीमेंट जो होता है, 50 kg का जो सीमेंट है उसका जो वॉल्यूम है वो है 0.035 क्यूबिक मीटर, उसका जो वॉल्यूम है, ठीक है। मैंने आपको स्टार्ट बताया कि CUM क्यूबिक मीटर का हमारे पास यूनिट है। नेक्स्ट, सिंस वी नो दैट रेशियो ऑफ सीमेंट टू सैंड, यहां देखें आप सीमेंट टू सैंड की रेशियो कितनी है, 1:2 इज 1:2, एंड सीमेंट टू एग्रीगेट इज 1:4। इसी हिसाब को हम आगे लेके चलेंगे। सो वॉल्यूम ऑफ सैंड रिक्वायर्ड, अब देखें 1:2 का मतलब क्या है, कि अगर हमारे पास 1 kg सीमेंट होगा तो 2 kg की सैंड होगी, 1 kg सीमेंट होगा तो 4 kg हमारे पास एग्रीगेट होगा। दिस इज एक्चुअली द मीनिंग ऑफ 1:2:4। अब देखें, since you know that the ratio of sand to cement to sand is 1/2, and that of cement to aggregate is 1/4. इसी हिसाब को लेके चलेंगे। सो वॉल्यूम ऑफ सैंड रिक्वायर्ड, अब इसी 0.035, क्यों, ये रेशियो सीमेंट के साथ सैंड की है, इसीलिए हम सीमेंट के जो वॉल्यूम है उसी को देखेंगे, 0.035 मल्टीप्लाई बाय ये वाला 2, ये 2 इज इक्वल टू 0.07 क्यूबिक मीटर। ये क्यूबिक मीटर में है वॉल्यूम। नेक्स्ट इज सो वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट रिक्वायर्ड, अभी आप खुद बताएं, जैसे हमने इसे 2 से मल्टीप्लाई किया बिकॉज इसकी रेशियो 2 थी, अब इसे 4 से करेंगे एग्रीगेट बिकॉज इसकी रेशियो 4 है, किसको, 0.035 को, 0.035 × 4 इज इक्वल टू 0.14 क्यूबिक मीटर। आई होप कि आपको स्टेप 1 क्लियर हुआ होगा, अगर नहीं हुआ आप इसको पॉज करके दोबारा देख सकते हैं, तो फिर भी नहीं होता मेरा नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे लिंक्स, हर तरह की, मेरा ईमेल पासवर्ड, मेरे ईमेल आईडीज, फेसबुक पेज, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप, मेरा पर्सनल नंबर, आप मुझे किसी वक्त कॉन्टेक्ट करके इनके बारे में कॉल करके मैसेज करके पूछ सकते हैं, यू आर वेलकम एनी टाइम। सो देखें जी, फिर स्टेप 1 का ओवरव्यू आपको देता हूं वंस अगेन। इसमें हमने जो हमारे मटेरियल है सीमेंट सैंड एंड एग्रीगेट, उनका हमने वॉल्यूम निकाला। वॉल्यूम हमने जब देखा कि भाई सीमेंट का जो 50 kg का बैग होता है, 1 bag, सॉरी हाँ, 50 kg का जो 1 bag होता है उसका जो वॉल्यूम है वो 0.035। नेक्स्ट हमने देखा कि सीमेंट और आखिर सीमेंट टू सैंड की रेशियो क्या है, मुझे जवाब मिला 1:2। अब वही जो वॉल्यूम सीमेंट का आया है उसी को हम 2 से मल्टीप्लाई करके सैंड की वॉल्यूम निकाल लेंगे। अब फिर मैंने पूछा कि सीमेंट और एग्रीगेट की रेशियो क्या है, मुझे जवाब मिला 1:4। सो मैंने क्या किया, 0.035 को 4 से मल्टीप्लाई करके एग्रीगेट्स की निकाल ली, वॉल्यूम निकाल दिया। सो दिस इज स्टेप 1। टोटल स्टेप 3 स्टेप्स हम कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं हम स्टेप 2 की तरफ,
देखते हैं कि हम स्टेप टू में कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करते हैं, रूल्स को फॉलो करते हैं। स्टेप टू इज कन्वर्ट वॉल्यूम रिक्वायर्ड टू वेट। हमारे पास जो स्टेप वन में हमने वॉल्यूम्स निकाले थे सीमेंट का, सैंड का, एग्रीगेट का, अब उनको हम अपने केजीज में, आई मीन टू से अपने वेट्स में कन्वर्ट करने जा रहे हैं ताकि हमारा स्टेप थ्री इजी हो जाए। डेंसिटी ऑफ सैंड जो हमारे पास है व्यूअर्स, दैट इज 1600 केजीज पर क्यूबिक मीटर, एंड डेंसिटी ऑफ एग्रीगेट इज 1450 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। एंड इस वीडियो लेक्चर को व्यूअर्स सुनने से, देखने समझने से पहले अपने पास एक रफ कॉपी और एक रजिस्टर रख लें ताकि आपको ये से आगे भी काम आए। सो डेंसिटी ऑफ सैंड एग्रीगेट आपको पता चल गई। सो सैंड रिक्वायर्ड, अब देखेंगे हमें जो सैंड की रिक्वायरमेंट है इन केजीज में, वेट के हवाले से हम बात कर रहे हैं, वेट उसका वजन कितना होगा। अब हम इसको प्रॉपर वॉल्यूम नहीं निकाला, वो स्टेप थ्री में आएगा। वेट देखेंगे, सैंड की रिक्वायरमेंट है वो है 0.07 मल्टीप्लाई बाय 1600 इज इक्वल टू 115 केजीज। लेकिन 0.07 कहां से आया? आपको अगर स्टेप वन याद हो तो उसमें हमने वॉल्यूम निकाली थी सैंड की भी, एग्रीगेट्स की भी एंड सीमेंट की भी। सो वो जो वॉल्यूम ऑफ सैंड आया था वो था हमारे पास 0.07 एंड 1600 इज डेंसिटी। ये वेट के लिए हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, सैंड रिक्वायर्ड मल्टीप्लाई इक्वल टू 115 केजीज, एंड सेम इज द केस इन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट इज इक्वल टू 0.14, वो जिसका एग्रीगेट निकल गया, वॉल्यूम निकल गया था एग्रीगेट्स का, क्रॉस 1450 इज इक्वल टू 209 किलोग्राम। ये बात आपको ज्यादा क्लियर हो गई। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा है कि हमारे पास वाटर सीमेंट रेशियो, वाटर टू सीमेंट रेशियो कितनी होती है, वो ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, दैट इज 0.55। सो जो वाटर की रिक्वायरमेंट है, हमने 50 सीमेंट अप्लाई क्योंकि हमें 50 केजी वन बैग ऑफ सीमेंट को हम एज अ वो ले रहे हैं अपना, ठीक है ना, सपोज कर रहे हैं। सो वाटर रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 50 क्रॉस 0.55 इज इक्वल टू 27.5 केजी। स्टेप टू में हमने जो वॉल्यूम निकले थे हमारे, हमने उन्हें डेंसिटी से मल्टीप्लाई करके उनकी वेट निकाल लिए। अब सिर्फ जस्ट स्टेप थ्री रह गए, फिर ये हमारा क्लोज हो जाएगा और आप देखेंगे कि वाकई जो हमने स्टार्ट में M20 की ग्रेड कंप्लीट के लिए जो टेबल बनाया था वो चीजें यहाँ पे प्रूफ होके आ गई हैं। फाइनली वी आर अबाउट टू वाइंड अप अवर लेक्चर एंड लास्ट स्टेप इज स्टेप थ्री। स्टेप थ्री इज रेट ऑफ कंक्रीट, सॉरी कैलकुलेशन ऑफ मटीरियल रिक्वायर्ड, बस अब खत्म होने वाले ये टॉपिक। The rate of concrete produced with one bag of cement. व्यूअर्स ये कहता है कि डायरेक्ट एक बात लिखी है कि हम एक बैग ऑफ सीमेंट से कितनी कंक्रीट प्रोड्यूस कर सकते हैं वेट के हवाले से। सो वो देखते हैं हम 50 केजीज प्लस 115 केजी सैंड का वेट, स्टेप टू में देखा एग्रीगेट का वेट, वाटर का वेट इज इक्वल टू 401.5 केजी। नेक्स्ट देखते हैं कि व्यूअर्स नेक्स्ट स्टेप में है कि कंक्रीट की डेंसिटी हमारे पास क्या है। जैसा कि हमने स्टेप वन में देखा, सॉरी स्टेप टू में देखा कि हमने सैंड की देख ली, एग्रीगेट्स की देख ली, अब सेम इज द केस इन सीमेंट, सॉरी कंक्रीट, कंक्रीट की डेंसिटी जो है हमारे पास 2400 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। नीचे वाला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है वन बैग ऑफ सीमेंट एंड अदर इंग्रेडिएंट्स। अदर इंग्रेडिएंट्स में हमारे पास सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट एंड वाटर। वन बैग ऑफ सीमेंट एंड अदर इंग्रेडिएंट्स कैन प्रोड्यूस 400 डिवीजन विद 2400 वन बैग ऑफ सीमेंट कितनी हमारे पास कंक्रीट प्रोड्यूस करेगा, वो है 0.167 क्यूबिक मीटर ऑफ कंक्रीट। फिर इसके साथ साथ आप लोगों के लिए सवाल छोटे छोटे एक ट्रिकी एमसीक्यूज भी आप मुझे नोट कर जाएगा साथ। फाइनली वन क्यूबिक मीटर ऑफ कंक्रीट विल रिक्वायर्ड सीमेंट, सैंड एंड एग्रीगेट विद हाउ मच वेट्स, लेट्स चेक। सीमेंट का जो चाहिए हमें वन बैग के लिए, डिवाइड करेंगे 0.167 से जो हमें कंक्रीट का वेट निकल के आया हमारे पास। सो जो वॉल्यूम डेंसिटी निकल के आई है, इसे डिवाइड करेंगे तो ऑलमोस्ट आएगा 5.8 इक्विवेलेंट टू 6 बैग्स। सैंड के लिए 115 ओवर 0.167 है सैंड की वेट। तो स्टेप टू में देखा हमने 688 केजी। स्टेप थ्री में हमारे पास एग्रीगेट्स 209 बाय 0.167 इज इक्वल टू 1251 किलोग्राम्स। यहां पर मैं थोड़ा सा टेबल आपके लिए बना लूं। ये देखिए जी, ग्रेडिंग है हमारे पास 1:4।
और ये हमें चाहिए सीमेंट, ये हमें चाहिए सैंड, ये हमें चाहिए एग्रीगेट। और इज इक्वल टू जो हमारे पास आएगा वो होगा हमारा रिजल्टेंट कॉन्क्रीट। सीमेंट जो हमें चाहिए वो 6 bags ऑफ सीमेंट हम देंगे एंड 688 kgs ऑफ सैंड का यूज करेंगे एंड 1251 kgs ऑफ कोर्स क्रश का यूज करेंगे, तब जाके हमारे पास 1 cubic meter ऑफ कंक्रीट एक अपने बेहतरीन मिक्स डिजाइन में जाकर हमारे पास ये बनेगी। अब मैंने स्टार्ट बोला था कि हम प्रूफ करेंगे इस चीज को। अब वो जो टेबल मैंने स्टार्ट में आपको दिखाया, आप वीडियो को रिवाइंड करें, वो टेबल निकालें, उसमें देखें कि 6 bags हैं कि नहीं। सैंड वहां पे शायद क्यूबिक फीट में लिखी, सीएफटी में लिखी हो, जहां केजीज में लिखी, आप कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड दिस इज अवर एग्रीगेट। मैं वंस अगेन स्टेप 1 से ले लेता हूँ सब चीजों को। स्टेप 1 में हमने वॉल्यूम फाइंड की अपने जो है हमारी मटेरियल सीमेंट सैंड एग्रीगेट के। स्टेप 2 में हमने इनके डेंसिटीज प्लस उनके वेट फाइंड किए। स्टेप 3 में हमने देखा कि एक बैग ऑफ सीमेंट से हम कितनी कंक्रीट प्रोड्यूस कर सकते हैं, कंक्रीट की डेंसिटी क्या है, और 1 bag ऑफ सीमेंट कितनी कंक्रीट प्रोड्यूस करता है, और 1 bag ऑफ सीमेंट से हमारी जो कंक्रीट निकलती है उसका वेट क्या है। वो हमने देखा कि 401.5 kg वेट है और 0.167 cubic meter ऑफ कंक्रीट निकल जाती है। अब फिर हमने देखा कि सीमेंट फाइनली इनकी हमने कैलकुलेशन निकाल दी। सीमेंट के लिए 1/0.1676 bag, सैंड के लिए 101.5/0.1678, एग्रीगेट्स के लिए 209/0.167, दैट इज 1251 kg। व्यूअर्स, दैट वाज एन कंप्लीट डिटेल्ड लेक्चर ऑन हाउ टू कैलकुलेट द क्वांटिटीज ऑफ सीमेंट सैंड एग्रीगेट्स फॉर कंक्रीट। आई होप कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। दिस वाज अ वेरी यूजफुल लेक्चर। सो हर कोई इसे देखे, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, वीडियो को लाइक जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल सखन डिजाइन एंड ड्राइंग सेंटर, इसी पर आप लोग इंशाल्लाह बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल को प्रमोशन में मेरी हेल्प करें, इंशाल्लाह आप चैनल के साथ जुड़े रहें तो आपकी बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी। सो व्यूअर्स, वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। स्टे होम, स्टे सेफ, अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज एंड अस्सलाम वालेकुम।